आज हम दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मार्स 2, नेबुला मार्स 2 का द नेक्स्ट जनरेशन थिएटर ग्रेन पोर्टेबल सिनेमा। ये एक पावर प्रोजेक्टर है, ये एंड्रॉयड 7.1 पे चलती है। अभी इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से बोलते हैं क्या क्या है इसमें। ये इसको आप निकाल लीजिए, ये है हमारा प्रोजेक्टर और इसके अंदर आपको एक और बॉक्स मिलेगी। उस बॉक्स में क्या है देखते हैं। तो इसका अडेप्टर है और ये केबल है, केबल इसमें लगेगी, ये चार्जिंग के लिए है और शायद इसके साथ इसका रिमोट भी होगा। हाँ देखिए इसमें रिमोट मिल गया, ये इसका रिमोट है। अभी हम लोग देखते हैं ये चलता कैसे है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये यहाँ पे फोकस लेंस है, यहाँ पे इसको आपको सीधा स्वाइप डाउन करना है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। हम लोग इसका रूम की लाइट बंद कर देते हैं, अब ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने फोकस को। हम लोग अब इसमें हम लोग प्ले कर देख सकते हैं, इसमें आप खुद के एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो आप। अगर आपको हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन रहते हैं। थोड़ा टाइप कर ये आ गया, ये फाइल मैनेजर है। अगर आप इसमें कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब इसको कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट नहीं किया तो नहीं बता रहा, नहीं तो फिर आप ब्लूटूथ से अगर इसको कनेक्ट करना है तो आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। सेटिंग में जाके जो ब्लूटूथ डिवाइस है आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटरनेट से नहीं, हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, वाईफाई से भी कनेक्ट कर दिया पहले से। अभी आपको देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो चला के क्या ये 4K सपोर्ट करता है, एक बार हम देख लेते हैं 4K वीडियो प्ले करते हुए। जितना ये डार्क नहीं है उतना डार्क भी बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। और के वीडियो चलता है, अभी हम लोग इसको ऊपर फोकस करते हैं, जितना दूर करोगे इसको उतना फोकस आएगा, उतना अच्छा फोकस आएगा। जैसे दूर करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है अपना ब्राइटनेस, सॉरी लेंस को। इसके अलावा आप ऊपर भी जहाँ पे अगर आपको सोचते सोचते देख रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हो। काफ़ी अमेजिंग डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस है। इसकी प्राइस आपको अराउंड इंडिया में आपको पड़ जाएगा 52,000 का, ये प्राइस है इंडिया में इसका 52,000 पड़ रहा है। हमने 1,000 डिस्काउंट पे लिया है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन भी आते हैं, आप एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा मैं लिंक उसका। काफ़ी अच्छी डिवाइस है, इसमें आप रिमोट के अलावा आप इसमें कुछ बटन है जिससे भी आप इसको मॉनिटर कर यूज़ कर सकते हो। पीछे इसके क्या है क्या है, ये चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा अगर आप HDMI से कनेक्ट करना चाहते हैं HDMI पोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद अलावा USB पोर्ट है अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह लेना है तो। अगर आप एक्सटर्नल वो साउंड को एक्सटर्नल आउटपुट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑडियो आउट यूज़ कर सकते हो। ये इसका फ़ैन है, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी डिवाइस है, हल्का है, पोर्टेबल है। बहुत अच्छी डिवाइस है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है इसमें, ठीक है। 360 डिग्री साउंड आएगी इसकी, ये स्पीकर है दोनों साइड। और इसमें से कुछ है नहीं, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इसके आपको साउंड क्वालिटी सुनाते हैं एक बार, वीडियो
अकेले अकेले मेरे चेहरे नहीं है किसी तो अकेले।